हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं स्नाइडर की वीएफडी के एरर कोड, फॉल्ट फाइंडिंग और अलार्म्स के बारे में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ मेरे चैनल पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड और वीएफडी के सारी की सारी वीएफडीज के फॉल्ट फाइंडिंग की वीडियो है, फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रबल शूटिंग की। और मैंने एक बुक का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं, उससे आपके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के स्किल्स डेवलप होंगे। अगर आप किसी भी टाइप का एनक्लोजर बॉक्स खरीदना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल पैनल, किसी भी टाइप का पैनल खरीदना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं aldomindia@gmail.com पर। स्नाइडर की वीएफडी का एक एरर कोड है CF12, डाउनलोड ट्रांसफर फॉल्ट। ठीक है, ये इसका रीजन क्या होता है, इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लोडेड इन ड्राइव वाया बस और कम्युनिकेशन नेटवर्क इज इनकंसिस्टेंट। तो इस ये है क्या, एक्चुअली इसमें जो हमारा हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना प्रोग्राम थ्रू पीसी लैपटॉप के थ्रू, तो हमने जो कॉन्फ़िगरेशन डाला है वो गलत डल गया। जैसे हमने प्रोग्रामिंग तो किया, एग्जांपल प्रोग्राम तो बनाया ये वाला N4 वाला, और एक्चुअल में VFD है M3 की, ये प्रोग्राम M3 का है और एक्चुअल में VFD M4 है। तो इसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये प्रोग्राम नहीं डल पाया है। ठीक है, तो चेक द कॉन्फ़िगरेशन लोडेड प्रीवियसली, लोड द कंपाइलेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसको पहले कंपाइल करके देखेंगे क्योंकि जो लैपटॉप से प्रोग्रामिंग होती है ना तो उसमें कंपाइल हो जाता है। ठीक है, द परफॉर्म डाउनलोड चेक डिस्प्ले कम्युनिकेशन एरर इन टूल एनवायरनमेंट ऑप्शन एंड स्टार्टअप कम्युनिकेशन। यही है कि मतलब डिस्प्ले तो प्रॉपर है, वैसा तो कोई इशू नहीं है। तो चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और एक बुक का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वो बुक परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको इलेक्ट्रिकल पैनल चाहिए कोई भी एनक्लोजर, तो आप मेल कर सकते हैं aldomindia@gmail.com।